हाय एवरीवन, दिस इज सीए पीयूष गुप्ता। एक क्वेश्चन कि क्या जीएसटी की रिटर्न हम उसको रिवाइज कर सकते हैं? मतलब हमने कोई जीएसटी की रिटर्न फाइल करी थी, अभी उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी, हमने कोई इनवॉइस गलत फिल कर दी थी या उसमें कोई डिटेल गलत कर दी थी। अब बहुत तरीके की मिस्टेक हो सकती है, जैसे डेट गलत हो गई थी, इनवॉइस नंबर गलत हो गया था, पार्टी का नेम गलत हो गया था, उसमें आइटम कोड गलत आ गया था या फिर उसमें वैल्यू गलत आ गई थी, रेट गलत आ गया, तो कुछ भी बहुत सारे ऑप्शंस मतलब रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हमारी कोई ना कोई मिस्टेक किसी रिटर्न में, जीएसटी की रिटर्न में हो गई थी। क्या अभी हम उसको रिटर्न को पूरी की पूरी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं, आप जीएसटी के अंदर पूरी की पूरी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता चला है विद इन द टाइम लिमिट, आप टाइम लिमिट देख सकते हैं कि उसको कोई भी अमेंडमेंट है आप कब तक कर सकते हैं, ओवर द टाइम कई बार एक्सटेंड भी वो डेट्स होती हैं, तो उस टाइम पीरियड के जो एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर जब भी आपको उस मिस्टेक के बारे में पता चला है, उस मंथ की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, उस रिटर्न को फाइल करते वक्त वहां पे इनवॉइस का एक अमेंडमेंट का ऑप्शन आता है, उस अमेंडमेंट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। वहां पे जो भी आपने पहले इनवॉइस नंबर एंटर किया था उस इनवॉइस नंबर को एंटर करेंगे और उसमें जो भी करेक्शन आपको करनी है वो करेक्शन आप उसमें कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर जो इनवॉइस में गड़बड़ हुई उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं जब भी आपको पता चलता है, बट पूरी की पूरी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इनकम टैक्स में पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल